हाय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपना यूट्यूब चैनल पर नया ब्लॉग खोले हैं। तो हम लोग घूमने आए थे मेरा दोस्त के साथ, तो किसी ने बोला कि यार अगर आए हो घूमने तो एक काम करो, जोड़ा से गुरुबेड़ा एक घूमने का अच्छा जगह है और जाके देख के आओ, अच्छा लगता है वहाँ पर, तो बोला। तो हम लोग सोचे चलो दोस्तों घूम के आते हैं, तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ में है, तो मेरा दोस्तों तो चलिए फिर वीडियो पे बने रहने के लिए हम लोग वो जगह पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि वो जगह का नज़ारा किस तरह है। और देख रहे हैं जिस तरह से काम चल रहा है, देख रहे हैं रास्ता में पूरा काम चल रहा है, बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो फिर हम लोग जगह पहुँच कर आपको दिखाते हैं वो जगह कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मेरा वीडियो यहीं तक रखता हूँ, फिर वो जगह पहुँचने से फिर आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों वो जगह हम पहुंच गए हैं दोस्तों, जो जगह के लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। तो आइए आपको भी दिखाता हूं जगह का नज़ारा किस तरह का है दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा, पूरा ब्यूटीफुल नेचुरल जगह है दोस्तों, बड़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। देख रहे आप, सुनाई भी देता होगा कि पानी का बहता हुआ झरना, पानी का जो आवाज़ आ रहा है दोस्तों, बड़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लगा लोकेशन, आई होप आप सभी को भी अच्छा लगेगा। जब कभी भी मौका मिले तो प्लीज़ इस जगह ज़रूर आइएगा और अपने घर परिवार वालों को, अपने दोस्तों में ये जगह को जरूर दिखाइएगा, बड़ी मज़ा आएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का नज़ारा है, ओ माय गॉड, बड़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आइए आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आइए 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 आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए दोस्तों। अभी शाम का टाइम हो गया इसलिए इस तरह का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, वरना सुबह के टाइम पर बहुत आदमी आता है इधर घूमने के लिए, आता है बहुत पिकनिक करने आता है। आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पर खाने पीने का सामान भी लेके आता है आदमी लोगों ने, यहाँ एंजॉय भी करता है, अच्छा ब्यूटीफुल नेचुरल जगह है दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, ज़रूर आइएगा जब भी मौका मिलेगा। तो ये जगह देख रहे हैं दोस्तों, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। ज़रा देखिए दोस्तों किस तरह का पूरा बना हुआ माहौल, इधर से देख रहे हैं दोस्तों कुछ मछली पकड़ने वाला है, मछुआर सब भी घूमता रहता है, पानी भी कितना मस्त पानी है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितना मस्त पानी है, कितना बढ़िया पानी है दोस्तों, देखिए देख रहे हैं दोस्तों पानी का पूरा मस्त नज़ारा इधर बहता हुआ है, पूरा पानी का आवाज़ आ रहा है, देख रहे हैं किस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह का मछली पकड़ने वाला इधर घूम रहा है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कैसा पूरा मच्छी इधर पकड़ रहा है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आप सभी को देखिएगा,
मेरा दोस्त नांडू भी इधर है। और नांडू कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा ना भाई? यहाँ का आदमी लोगों ने इधर मछली पकड़ता भाई, कैसा लगता भाई? बहुत आता है ना पिकनिक इधर? बहुत आदमी आता है पिकनिक? बहुत आता है, बहुत आता है पिकनिक। और इधर कुछ ऐसा मेला वाला कुछ लगता है क्या? नहीं, मेला वाला कुछ नहीं लगता है। और पिकनिक मतलब कब आता है अपना? साल में? नया साल, नया साल में आता है। साल में बहुत पिकनिक आता है। तो आप ये जो मछली पकड़ते हैं मतलब खाने के लिए पकड़ते हैं ना, बिक्री भी करते हैं? खाते भी, बिक्री भी करते हैं। हम लोग दोस्तों पहला बार आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से थोड़ा बात करके, अच्छा लगा। थोड़ा देख लेते हैं और भी, थोड़ा सा जगह देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, शाम भी होने वाला है क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना है। हो सकता है कि रास्ता में हमारा पेट्रोल भी थोड़ा सा कम है, इसीलिए अगर हमको कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए हम लोग बस अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको, अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा हिम्मत और भी बढ़े और मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने और नया नया जगह का वीडियो बनाते हुए दिखाऊंगा। और ताकि मेरा दोस्त भी कुछ कहना चाहता है दोस्तों, मैं इसके साथ में आया था, फर्स्ट बार आया था। तो नांडू मेरे को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस जगह के लिए। क्या बोलूँ भैया, नीचे वाला बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, मेरा दोस्त का शाम होने वाला है और ऐसे कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रहा है क्योंकि हम लोगों निकले थे 2 बजे से निकले थे, कुछ खाना वाना भी नहीं खाए थे। हम लोगों ने जगह को ढूंढते कितना मुश्किल से पहुंचे हैं दोस्तों, इसीलिए हमको अभी कुछ बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको क्या बोलूँ, तो बस आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा मेरा हिम्मत बढ़ाने के लिए, बस आप तो जानते ही हैं, बस प्यारा साइड शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो बस यहीं से समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। Can anybody out there hear me?